OnePlus ने लॉन्च कर दिए हैं दो बढ़िया फोन, ये है OnePlus 12 एंड 12R। इन दोनों के रिव्यूज चैनल पर आ गए हैं, आप जाकर देख सकते हो। अब हम रिव्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इनके कुछ 12 दमदार टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट्स में ये मत बोलना कि यार ये तो सारे OnePlus फोन्स में है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है वीडियो। बाकी वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं एक बोनस टिप भी बताने वाली हूँ। पहला फीचर है OnePlus 12 का और मेरा फेवरेट फीचर है होलो ऑडियो। इसमें क्या है, आप ऑडियो कुछ 4 या 5 सोर्सेज से सुन सकते हैं एट द सेम टाइम, जैसे अलार्म, आपका म्यूजिक एंड मे बी YouTube प्लेइंग एट द सेम टाइम। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे मैं अलार्म को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये आपका फीचर बेस्ट काम करेगा ईयरबड्स के साथ। अब जो दूसरा फीचर है वो क्विक टिप है कैमरा का। इसमें आप नंबर ऑफ शॉट्स सेट कर सकते हो, जैसे सपोज आपको 5 शॉट्स चाहिए अंडर 10 सेकेंड्स, तो आप सेट कर सकते हो अपने कैमरा में, और सेल्फीज लेते हुए ये बड़ा काम आएगा। अब जो तीसरा फीचर है फ्लोटिंग विंडो, उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसमें ये यूजफुल कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप 1 ऐप एट अ टाइम यूज कर सकते हो, बाकी फोन्स में आप एक टाइम पे एक से ज्यादा ऐप्स यूज कर सकते हो। मुझे ये ज्यादा यूजफुल लगा स्पेशली क्रोम यूज करते हुए। अब आपको किसी ने इम्पोर्टेंट कॉल किया और आपने मिस कर दिया, उसके लिए ये फीचर है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। इस फीचर के थ्रू जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो अनाउंस होगा नाम और नंबर, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर नॉट अराउंड योर फोन। अब आपको अलग अलग एप्स को लॉक करने की जरूरत नहीं है, इस नेक्स्ट फीचर के थ्रू आप एक ही टाइम पे अपने 10 मोस्ट यूज्ड एप्स को लॉक कर सकते हो एट द सेम टाइम और सेम पासकोड यूज करके। प्लस ये जितने भी एप्स हैं ये 24/7 बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे। अब ऐप लॉन्चर के बारे में तो सबको पता होगा, उसका एक कूल फीचर आया है जिसमें आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्वाइप करके स्विच कर सकते हो। एक आइकन जैसा आएगा, उस पर आपको स्वाइप करना है और आप दूसरे ऐप में स्विच कर जाओगे। अब अगर आप फर्स्ट टाइम OnePlus यूजर हो तो मैं बता दूं कि OnePlus ना भर भर के जेस्टर्स एंड मोशन का ऑप्शन देता है, जिसमें आप अगर आप जीरो ड्रॉ करोगे स्क्रीन पे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, अगर आप डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसमें और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फीचर है, इसमें आप अपने जो ऐप्स हैं उनके कुछ कुछ फीचर्स को क्विक एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया है कैमरा का पोर्ट्रेट मोड, आप अलार्म सिलेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे कुछ 5 जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है और फिंगर को इधर उधर मूव करना है। आपने जो भी 5 फीचर सिलेक्ट किए होंगे आप उनको बहुत क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। कोई लिंक शेयर करना है क्विकली लेकिन आपको ऐप ओपन करने का मन नहीं है, तो आप अपना लिंक सिलेक्ट कर लो और ऐप को सिलेक्ट करो जिसको आपको भेजना है, और आपका वो जो ऐप है वो फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएगा। स्टिकी नोट्स याद है कि नेक्स्ट फीचर वैसा सही है। जो स्मार्ट साइड बार है उसमें ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे, फाइल डॉक और एक और। तो जो फाइल डॉक वाला है, आपको जो भी कॉन्टेंट अपना सेव करना है आप उसको कॉपी कर सकते हो और फाइल डॉक में जाके सेव कर सकते हो। आप अपने इमेजेस भी इसमें सेव कर सकते हो। अब आईफोन का फील आप एंड्रॉइड में भी ले सकते हो, या फिर मैं कहूँ अपने OnePlus 12 में भी ले सकते हो, क्योंकि एक डायनेमिक आइलैंड जैसा ये फीचर है स्मार्ट सजेशन करके, जिसमें आपको एक बबल टाइप का बार ऊपर दिखेगा जो आपके नोटिफिकेशंस को दिखाता रहेगा। ये स्पेशली फूड डिलीवरी एप्स के लिए कस्टमाइज किया गया है। ये जो लास्ट फीचर है ये मुझे पसंद आया। अगर आप बटन्स को फोन में यूज करना अवॉइड कर सकते हो तो ये फीचर आपके लिए है। आपको बस इस आइकन पर टैप करना है और आपके जो दूसरे आइकन्स हैं जैसे होम पेज का आइकन वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मुझे ये काफी हैंडी लगा, आप मुझे यूज करके बताओ कमेंट सेक्शन में इफ दिस वाज यूजफुल। तो अब एक बोनस टिप बताती हूँ, इस फीचर का नाम है स्केड्यूल ऑन एंड ऑफ। इस फीचर को यूज करके आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, आपका जो फोन है वो स्केड्यूल टाइम पर अपने आप ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको यूजफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी कीप वॉचिंग गैजेट टाइम्स, दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।